चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। क्या शनि 2024 में इनकी किस्मत खोलेंगे या इनको कड़ी मेहनत करवाएंगे? कैसी है शनि की 40 साल सिंह राशि वालों के लिए, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, अब जो सिंह राशि वाले हैं वो जानना चाहते हैं कि शनिदेव डिस्टर्ब करेंगे या फिर थोड़ा आसान कर देंगे उनका रास्ता इस साल। देखिए, यदि आपकी सिंह राशि है तो बड़े ध्यान से सुनिए, आपके सातवें स्थान में माने जीवन साथी के स्थान में शनि देव की उपस्थिति है, ठीक है। सातवां भाव रिश्ता, दोस्ती, कारोबार और प्रतिद्वंदिता के बारे में देखा जाता है। नए साल में सिंह राशि वाले कारोबारियों को कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, यात्राएं बहुत होंगी, यात्रा के कारण थकान भी होगी, लेकिन इससे भी आपको लाभ मिलेगा। 11 फरवरी से 18 मार्च तक अष्ट शनि वैवाहिक जीवन में कलेश की स्थिति उत्पन्न कर सकता है या जीवन साथी या जीवन संगिनी की तबीयत खराब कर सकता है। इस समय बिल्कुल कल्पनाओं में नहीं रहिए, चुनौतियों का सामना करिए और पूरा धैर्य रखिए। पिता से मतभेद या कार्य क्षेत्र में मुश्किलें आ सकती हैं। अब जब आपके सातवें भाव में शनि होगा तो पक्का है कि आपके शनि की दृष्टि एक तो आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी और दूसरा आपके राशि पर पड़ रही है और तीसरी दृष्टि जो शनि की पड़ रही है आपके सुख स्थान पर पड़ रही है। मतलब ये एक तो आपके भाग्य को हिलाकर रख देगा शनि, दूसरे आपकी सेहत में नसों का खिंचाव, सर्वाइकल की प्रॉब्लम दे सकता है और तीसरे आपके माँ के भी सेहत पर इसका असर पड़ेगा। माँ को एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, माँ को घुटनों के जोड़ों में दर्द हो सकता है, माँ को सर्वाइकल स्पेडिलाइटिस जैसी बीमारी हो सकती है। तो भाई, शनि देव जहाँ जहाँ खराब दृष्टि कर रहे हैं वहाँ तो इनका असर खराब ही होगा। 18 मार्च को कुंभ राशि में शनि के उदय होते ही हालात में सुधार हो जाएगा, लेकिन मई के बाद किसी मांगलिक कार्य पर खूब धन भी खर्च होगा और फिजूल खर्ची भी होगी। नौकरी बदलने का योग बना हुआ है, बहुत मेहनत करने के बाद ही शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी। इस समय अचानक सिंह राशि वालों के काम में बड़ा बदलाव आ सकता है। 29 जून से 15 नवंबर तक बकरी शनि आपको लाभ पहुंचाएंगे, करियर में मान सम्मान होगा, कारोबार का विस्तार होगा, विदेश से जुड़ा काम है तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। 2024 के अंत तक वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन सकता है, लेकिन डरना मत, बृहस्पति 28 अप्रैल 2024 तक आपके भाग्य भाव में बैठा है जो आपका माँ की तरह रक्षा करेगा और आपके सम्मान को किसी कीमत पर बचाएगा। 28 अप्रैल 2024 तक तो आप इंश्योर्ड हैं, आप बिल्कुल मत डरिएगा, लेकिन शनि देव की कृपा पाने के लिए अगर आप शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ, पंचमुखी हनुमान का चित्र लगा करके, घी का दिया जला करके अगर ये आप पाठ करना शुरू कर दें और किसी तरह का मांस, मछली, मदिरा, जुआ, सट्टा ये सब चीज़ों से अगर आप दूरी बना लें तो आपको मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये खराब समय जरूर है लेकिन आपका एक बाल बांका नहीं होगा और आप बड़ी प्रसन्नता से 2024 को निकाल देंगे और उपलब्धियां भी आपके साथ होंगी। लेकिन अगर आपका खान पान दूषित हुआ, अगर आपने मांसाहार किया, अगर आपने मदिरा सेवन किया, अगर आपने जुआ खेला, अगर आपने व्यभिचार किया तो आप तैयार रहिएगा, शनि देव के दंड देने का भी समय आ गया है और जिससे आपका मान सम्मान सब कुछ प्रभावित होगा। जय मां विंध्यवासिनी।